दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि भारत सरकार जो है अपने देश का जो ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अब जो है इसको चेंज करके रिपब्लिक ऑफ भारत करने जा रही है। अभी हाल के दिनों में G20 सम्मेलन जो कि इस साल भारत में आयोजन किया जा रहा है, उसका जो ऑफिशियली जो इन्विटेशन लेटर्स भेजे जा रहे हैं बाकी अदर कंट्री के ऑफिशियल्स को, वहाँ पे अपने कंट्री का नाम इंडिया की जगह अब भारत का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, अब ये कयास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है मोदी सरकार यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है, जहाँ पे अपने कंट्री का जो ऑफिशियल नेम है इंडिया, अब उसको चेंज करके रिप्लेस करके भारत करने जा रही है। और यूनाइटेड नेशंस से अप्रूवल के बाद जो अपने कंट्री का जो नया ऑफिशियल नाम होगा वो होगा रिपब्लिक ऑफ भारत। ऐसे में दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पासपोर्ट जिनके पास ऑलरेडी है या फिर वो पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, उनके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं। बहुत सारे कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी जो भी पासपोर्ट हमारे पास है, ठीक है, तो इस पासपोर्ट के ऊपर जो है सबसे पहले कंट्री का ही नाम होता है। हर कंट्री का जो भी पासपोर्ट होता है उसके ऊपर जो है कंट्री का ऑफिशियल नेम होता है। ऐसे में हमारे और आपके पास जो भी अभी करंट पासपोर्ट है इसके ऊपर रिपब्लिक ऑफ इंडिया मतलब कि भारत गणराज्य हिंदी में होता है, लेकिन ऑफिशियली इंडिया नाम से ही पूरी दुनिया में भारत को जाने जाते हैं। और जो भी कंट्री का जो ऑफिशियली नेम यूनाइटेड नेशंस मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के पास है, उसी के ऊपर वो वैलिड डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है वहाँ पे वो ट्रेवल कर सकता है। ऐसे में जब भारत सरकार ऑफिशियली अपने देश का नाम चेंज करने के लिए इंडिया से भारत करने का प्रस्ताव जब यूनाइटेड नेशंस को भेजेगी, और जैसे ही वहाँ पे ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, उसके बाद जो है ऑफिशियली हमारे देश का नाम भारत हो जाएगा, रिपब्लिक ऑफ भारत हो जाएगा। और वैसे सभी लोग जो कि अब्रॉड ट्रेवल करेंगे, किसी अदर कंट्री में ट्रेवल करेंगे, वो नए नाम के साथ करेंगे, क्योंकि इंडिया जो इंडिया कंट्री है ये ऑफिशियली एक तरीके से डीलिस्ट हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के अंडर में। ऐसे में जब अपना देश भारत हो जाएगा तो कोई इंडिया का पासपोर्ट लेकर कैसे ट्रेवल कर सकता है? ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि हम सभी के मन में आते हैं और मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बात करेंगे कि आखिर ये चीज़ें किस तरीके से काम करती है। और जो भी कंट्री का नेम चेंज होता है, जैसे आपने देखा होगा पास्ट में श्रीलंका जिसका पुराना नाम था सेलोन, उसको उसने रिप्लेस करके जो है यहाँ पे श्रीलंका नाम किया था। मेसोपोटामिया का नाम चेंज होकर जो है यहाँ पे या ईरान ने अपना नाम चेंज किया था। तो इसके पीछे एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, ये अचानक से नहीं हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले जो है भारत सरकार लोकसभा में एक बिल लेकर आती है अंडर आर्टिकल 1, 2 एंड 3। उसके बाद इसको जो बिल होता है इसको पास करना होता है लोकसभा में, उसके बाद ये राज्यसभा में मतलब कि अपर हाउस में जाती है। अगर इन दोनों जगहों पे अगर ये बिल पास हो जाता है, हालांकि अपने देश में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जो है मोदी सरकार का जो है यहाँ पे बहुमत है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद जो है जैसे ही प्रेसिडेंट जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद अपने देश का जो नाम है उसका प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जिसका जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा में है, वहाँ ये भेजा जाएगा। जितने भी पूरे दुनिया में जहाँ पे भारत के राजदूत हैं, एम्बेसीज हैं, उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं वहाँ के जो कंसुलेंट हैं, एम्बेसी हैं, वहाँ पे ये लेटर जाएगा कि अब जो भारत जो इंडिया नाम है वो अब भारत पे रिप्लेस हो चुका है। ऐसे में दोस्तों पासपोर्ट जो कि हमारा पहचान है, हमारा ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है एज अ इंडियन, इसका क्या होगा दोस्तों? इसको लेकर अभी विदेश मंत्रालय का कोई भी जो है अभी सामने नहीं आया है, किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का अभी गवर्नमेंट की ओर से ऑफिशियली कुछ न्यूज़ नहीं आया है। हालांकि ऐसा जब भी होता है दोस्तों, तो जब तक उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी बची होती है तब तक वो उसके ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि इसी बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अब्रॉड में हैं, तो अगर अचानक से इंडिया का नेम चेंज होता है तो वो अब्रॉड में अपना पासपोर्ट करेक्शन कैसे करवाएंगे? तो गाइज यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। अगर ऐसा होता भी है तो जब तक उनके पासपोर्ट की जो करंट वैलिडिटी है तब तक वो एज इट इज़ वैलिड रहता है, और जब भी उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है या फिर जब भी उनको
रीइशू होता है तो उसके बाद नए और ऑफिशियल नेम के साथ जो है उनके पासपोर्ट को इशू किया जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो कि ऑलरेडी अब्रॉड में हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसलिए जो है आपका पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है, आपके पासपोर्ट का जो ऑथेंटिसिटी है वो हमेशा बरकरार रहेगा। यूजुअली चीज़ें ऐसी ही होती हैं, हालांकि इसको लेकर विदेश मंत्रालय का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आ जाएगा, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल एज अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर जिसके ऊपर आपका रिपब्लिक ऑफ इंडिया यहाँ पे मेंशन है, इसको लेकर आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि रातों रात आपका पासपोर्ट इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होने जा रहा है। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपके माइंड में जो कन्फ्यूज़न था इस चीज़ को लेकर, पासपोर्ट को लेकर रिपब्लिक ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ भारत में जो कन्फ्यूज़न था वो पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। और ऐसे ही लेटेस्ट पासपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। पासपोर्ट बनवाने में अगर आपको किसी और प्रकार का कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देकर आपकी मदद करने में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, जय भारत।